ऑल वेलकम टू शिवा शर्मा व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बना रही हूँ व्लॉग और ये बार बार बोले जा रहे हैं कैमरा साफ कर, कैमरा साफ कर। जब कैमरा साफ है तो मैं बार बार क्यों साफ करूँ? ये सोचने की बात है, बट कुछ लोगों को बोलने की आदत होती है, कोई बात नहीं, बोल ही लूँ। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग जा रहे हैं शिवाय की नानी को घर छोड़कर, और रुद्राक्ष भी उनके साथ हैं। हम जा रहे हैं पेरेंट्स मीटिंग में शिवाय की। फर्स्ट टाइम सेकंड क्लास में आने के बाद इसकी पेरेंट्स मीटिंग हो रही है। तो प्रतीक और मैं और शिवाय, हम तीनों जा रहे हैं। रुद्राक्ष को हमने घर छोड़ा है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है बाहर, इस वजह से गर्म हुई पड़ी है गाड़ी। बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस टाइम निकलने का मन बनता नहीं है। अभी देखते हैं, अब दोपहर में हम लोग इसके पेरेंट्स मीटिंग करके घर आएंगे, उसके बाद फिर खाना वाना खाएंगे, और फिर उसके बाद हम लोग इवनिंग में देखते हैं कहीं अगर जाएंगे तो फिर आपको ज़रूर बताएंगे, ज़रूर दिखाएंगे। और क्या, आज शिवाय का ट्यूशन भी है, ट्यूशन से करने के बाद जाएंगे जहाँ भी जाएंगे। और कल शिवाय, कल संडे है, कल नहीं जाएंगे हम लोग। कल शिवाय को ट्यूशन भी नहीं जाना, स्कूल भी नहीं जाना, और कल तो शिवाय की नानी भी चली जाएगी। हाँ है, है ना पकड़ो जी, कल नानी जा रही है ना शिवाय की। कल जा रही है बेटा, वो बेटा उनको घर पे भी तो काम होता है। आपकी वजह से आई थी आपसे मिलने, नानू अकेले हैं, मिली नानू अकेले, उनका मन नहीं लग रहा उनके बिना, इसलिए जा रही है। और फिर आप जाओगे तो थोड़े दिन बाद नानी के घर, इसलिए। गाइस एसी फुल चल रहा है, उसके बाद भी ना एकदम से गाड़ी ठंडी नहीं हो रही है। और अब मतलब इतनी ज्यादा तेज भी मत करो, शर्मदान हो जाता है। हम लोग चाहते हैं स्कूल, सबको गाइस बहुत गर्मी है, प्लीज अपना ध्यान रखें। और ये बता रहे हैं कि आने वाले हफ्ते में जो टेम्परेचर है 47 से भी ऊपर जाएगा, प्लीज अपना ध्यान रखिए, अपने घर में रहिए, आपको हाइड्रेटेड रखिए। ये गर्मी बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो अपने घर में ध्यान रखिए, घर में रहिए, बहुत ज्यादा काम हो तभी निकले, अदरवाइज घर से ना निकले। और नींबू पानी तो इस गर्मी में बहुत ही अच्छा होता है, हाइड्रेटेड रखिए, हाइड्रेटेड रखिए और नींबू पानी पीजिए। जब जो जैसे जैसे भी आप रख सकते हैं खुद को रखिएगा। और गाइज बिना वजह घर से ना निकले, क्योंकि कोई माहौल नहीं है निकलने का। शाम को 6 बजे के बाद निकल सकता है इंसान, है ना, शाम को 6 बजे के बाद निकल सकते हैं, लेकिन 6 बजे से पहले तो बहुत बुरी गर्मी हो रही है। और हम शिवाय को 4:30 ट्यूशन छोड़ने जाते हैं, उस टाइम भी हम पार्क में नहीं बैठ पाते, इतनी बुरी स्थिति है ना, वॉक कर पाते हैं। वॉक करना तो बहुत दूर की बात है गाइस, धूप में बैठना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। अपना घर में फैन और कूलर एसी जो भी चला सकते हैं चला के अपने घर में शांति से रहिए, और घड़े का ठंडा पानी पीजिए। मिट्टी के बर्तन में पानी पीने का एक अलग आनंद होता है। तुम्हारा कहाँ है मिट्टी का बर्तन? मैंने मिट्टी का बर्तन मेरा ऊपर रखा है, वो नया लेना पड़ता है ना हर बार, वो हर बार चेंज करना पड़ता है, एक से नहीं होता ऐसे। तो ठीक है गाइस, फिर बने रहिए आप हमारे साथ ब्लॉग में। चलो शिवा अपनी क्लास में लेके चलो, जल्दी जल्दी साथ साथ चल रहे। तो गाइस जा रहे हैं हम शिवाय की क्लास में, शिवाय हमको आज लीड कर रहा है आगे आगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसकी क्लास कहाँ पर है, सेकंड क्लास इसकी कहाँ पर है। आ? बड़े वाले से चलेंगे। गिर गया, आधा घंटा तो हो गया बैठे हुए, मगर अभी नंबर आया नहीं, देखो कितने देर में आता है। आ गई मैं फिर से वापस, और हमारी पीटीएम हो चुकी है डन। और शिवाय की एक भी कंप्लेन नहीं आई, सिर्फ एक कंप्लेन आई है राइटिंग,
इसकी राइटिंग अच्छी नहीं है, राइटिंग मतलब वो मिस मैनेज कर देता है। शिवाय ने प्रॉमिस किया है कि अब ये राइटिंग पे अपना, अभी डेली राइटिंग का वन पेज करेगा। 45 डेज की जो वेकेशन इसकी है, मैम ने बोला है कि डेली राइटिंग करनी है। और शिवाय की कोई शिकायत नहीं आई, मैम ने उसकी तारीफ करी, इसीलिए आज शाम को, इसीलिए अब शिवाय की पार्टी का टाइम होगा आज शाम को। यार शिवाय को हम पार्टी देंगे क्योंकि इसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। हाँ, शाम की पार्टी, मैम ने उसकी तारीफ करी है, कितना खुश हो रहा है। तो जैसा शिवाय चाहेगा शाम को ऐसा ही होगा, और वो भी नानी के साथ, है ना, नानी के साथ एंजॉय में। इसे देख लो भंगी को। अरे कपड़े तो पहन ले बेटा है। अभी पहनेगा, नहीं नहीं करेगा अभी। कपड़े तो इसलिए ढीले कर लिए अपने साथ, इसलिए तो अब चेंज करूंगी ना। तो गाइस मैं जा रहा हूँ शिवाय को ट्यूशन छोड़ के, मेरे को जाना है साइड पे, मुझे कुछ काम है। ये लोग आज कहीं नहीं जा रहे क्योंकि आज बेहद गर्मी है। ये लो आपकी बोतल, निकलने से कोई फायदा नहीं। आपकी बोतल मैंने पानी खा, आप जाओ अंदर। और ये रोटी काय को देनी है शिवाय, ध्यान रखना ठीक है। ओके ठीक है, तो गाइस मिलते हैं गाड़ी में बैठ के, आप लोगों से बातें करते हैं। तो निकाल के अंदर बैठो आप, एसी में जाओ, गर्मी हो रही बाहर, आप बाहर मत घूमो, अंदर मैं भाई को ट्यूशन लेके जा रहा हूँ, ठीक है। जाओ तुम यार, प्लीज जल्दी जाओ। तो गाय शिवाय की मम्मा ने उसको दी थी ये दो रोटियां जो गाय को देनी है, और यहाँ एक फैमिली ने गाय पाल रखी है, ये रही वो गाय। तो शिवाय उनको गाय को रोटी दे रहा है। शिवाय पूरी वैसे डालो ना अंदर, किधर से? अंदर डालो इसे, कैसे खा डालू? देखो ऐसे, इसको ऐसे करो, अब ये अगर मैं इस गाय को हर रोज खाना दूंगा तो ये ट्रेन हो जाएगी, देख तेरी फ्रेंड बन जाएगी। थैंक यू बोल रही है, थैंक यू बोल रही है। तो मैं इसको हर रोज दूंगा। देना ही चाहिए, अच्छी बात होती है गाय को रोटी देनी, गाय को रोटी देनी बहुत अच्छी बात होती है, गाय माता होती है। हाँ चलो अंदर, बहुत गर्मी, गर्म हवा हो रही है ना, रुक जाओ, बहुत गर्म लग रहा है ना। हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और इतनी गर्म हो गई थी गाड़ी कि बस ऐसा लग रहा था जैसे गर्म तवे पे बैठ गए। एसी फुल कर दिया है मगर अभी भी इतनी कोई खास राहत आ नहीं रही है, थोड़ी देर में थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। सच में गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। जब मैं आऊँगा तब तक अगर ठंडा हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। हाँ अभी इसकी दो चार दिन में छुट्टियाँ पड़ जाएंगी ना शिवाय की, तो हम लोग कहीं बाहर वेकेशन पर जाएंगे। 40 दिनों की इसकी छुट्टी पड़ेगी, तो उसमें हम लोग कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं गाइस। तो क्योंकि यहाँ पे तो भाई बहुत गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी के बाद थोड़ा 2-3 दिन का रिलैक्स तो चाहिए इतना ठंडी सी जगह में। तो बना रहे हैं अभी, जगह डिसाइड नहीं हुई है कहाँ जाना है, जैसे डिसाइड हो जाएगी तो आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। वैसे शिवाय का मन कौन सी जगह का है बताना शिवाय? मेरा मन पता है उसका
यहाँ स्विमिंग पूल हो, वो जंगल सफारी हो, खाना भी मिले, स्विमिंग पूल भी हो, डायनासोर पार्क भी हो, सब कुछ। बेटा जंगल सफारी और स्विमिंग पूल तो जिम कॉर्बेट में मिलेगा तुम्हें, जिसमें सब कुछ हो। इसके हिसाब से तो गाइस जिम कॉर्बेट जाना चाहिए, मगर हम पिछली गर्मियों में भी वहाँ पे गए थे, तो देखते हैं। अभी प्लान डिसाइड हुआ नहीं है, जैसा भी होगा दो चार दिन बाद ही डिसाइड करेंगे, फिर आपको बताएंगे। इसमें जुरासिक पार्क भी हो। अब जुरासिक पार्क तुझे हर जगह थोड़ी मिलेगा बेटा, जुरासिक पार्क। तो ठीक है गाइस, बने रही है ब्लॉग में। इसको छोड़ के अब मैं निकलूंगा साइड पे, वहाँ पे मुझे थोड़ा सा काम है जरूरी। तो मैं निकला अपने ऑफिस, पापा निकले अपने ऑफिस, हम दोनों अपने अपने ऑफिस जा रहे हैं, है ना शिवाय? हाँ, मेरे दो ऑफिस होते हैं, एक स्कूल जाना, एक ट्यूशन जाना। स्कूल जाकर पढ़ाई करना, वो एक ऑफिस का काम हो गया। दूसरा ट्यूशन में जाकर पढ़ाई करना, वो दूसरा ऑफिस हो गया। मेरा एक ऑफिस है फिलहाल ना भैया। तो ठीक है गाइस, बने रहिए व्लॉग में। और मैं भी गाड़ी चला रहा हूँ, ये बातें जो है खत्म नहीं होगी। और मैं जा रहा हूँ अपने रास्ते, बाबा जा रहे हैं अपने रास्ते। हम दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, बाय। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ घर साइड पे से, बड़ा हेक्टिक था, दो तीन जरूरी चीजें थी जो लाइन अप करनी थी, और अब घर जाके देखता हूँ कि उन लोगों ने क्या प्लान करा है, कहाँ जाना है शाम को। तो आप ब्लॉग में बने रहिए, जो भी होगा मैं आपको जाके बताऊंगा, और आपको तो पता चल ही जाएगा कहाँ का क्या प्लान है, क्या है, क्या चल रहा है, क्या धमाल चौकड़ी हो रही है घर में। नैना ने भी वहाँ पे ब्लॉग करा होगा कुछ ना कुछ, तो वो भी इसमें डालेंगे। तो ठीक है गाइज, बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में, और शाम का जो भी प्लान है वो देखते हैं क्या है। शिवाय को ले लिया मैंने ट्यूशन से, और इसे ना एकदम भागने की जल्दी लगी रहती है, कि जैसे ही पापा को देख लेता एकदम बैग पैक करता फटाफट फटाफट। पापा आ गए अपने ऑफिस से, हम दोनों अपने अपने ऑफिस से आ गए। मम्मी को बना दिया। क्या बोला आपने? मैंने कहा अभी साइड पे ही हूँ, शिवाय को लिया ही नहीं मैंने। मम्मी तेरी करी सब अच्छे हो गए, वो वहाँ पे इंतजार कर रहा होगा, मैम कहेगी कि आप लोग टाइम से आते नहीं है वो। मैंने कहा हाँ ठीक है, अब एकदम जल्दी जाएंगे। तो मम्मी कही अरे तुम इतनी जल्दी कैसे पहुँच गए? नहीं ठीक है, दिख गया इसे। आ जा थोड़ा आगे चल ले, फिर करते हैं। Oh,
क्या हुआ आपको, क्या हो गया आप? अच्छा बड़ा क्या कुछ खोद नहीं गया? फोन नंबर खो गया मेरे के पंडित जी ने नंबर आपको, बहुत सारे नंबर हमारे पास, पाँच छः लड़के मेरे पास, कोई फिर भी खुश रहो यार, कोई हमें खुश नहीं है मेरे भाई सारे शादी का पूरा दिलाना पक्का जी। यार कोई ऐसे बात नहीं करेगा, यहाँ पर ऊपर लेके नहीं आए जेब में डाल के पहले, अब मैं क्या दूँ अपने दोस्तों को? ओके जी ओके जी स्टार्ट करते हैं मेरे गाने से, मुझे डिमांड आई है कि अपने गाने से डिमांड करनी है, स्टार्ट करना है। ओ चंडीगढ़ रह के, ओ चंडीगढ़ रह के बड़ी क्यूट हो गई है, पीपी रेड वाइन में तू क्यूट हो गई है, चंडीगढ़ रह के बड़ी स्वीट हो गई है, मुझको आवाज़ दो
आज फिर शॉपिंग करने लग गई है। कहो ना मम्मी को, मम्मी हर समय जो है शॉपिंग ही करती रहती हो। इधर है गाइस, आ गए हैं हम लोग फ्लाइंग डचमैन में। फ्लाइंग डचमैन जहाज, ठंडा बनाए रखने के लिए। गाइस, हम लोग निकल गए हैं वहाँ से और अब हम लोग जा रहे हैं घर। और जैसे कि आप देख रहे हैं शिवाय खा रहा है, रात के बज रहे हैं 11:30, बजने वाले हैं 12 और मम्मी सुबह हो जाएंगी रवाना अपने घर पर, इसलिए जल्दी जाके सोना है मम्मी को। कोशिश करेंगे कल दूधेश्वर नाथ मंदिर घुमाना है, मम्मी का बड़ा मन रहता है। लेकिन
अगर हम जल्दी उठ पाए तो नहीं उठ पाए तो सोते रहेंगे, क्योंकि मम्मी को जाना भी जल्दी है। तो इसलिए गाइस आज की ब्लॉग तो गाइस ठीक है, बाय बाय। बातें भर नहीं रही है, अब बाय करने का मन है, पेट भर गया फुल। आज की ब्लॉग में इतना ही, कल मिलते हैं नई बातों के साथ, नई वादों के साथ, नए नए इरादों के साथ और नए अच्छे दिन के साथ। तो गाइस गुड नाइट, बाय बाय।